हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे चिली पोटैटो की रेसिपी। सबसे पहले आलू को इस तरह से काट लीजिए। आलू को पानी में अच्छी तरह से धो लीजिए। आलू में अब पानी और नमक डालकर इसको गैस पर 5 मिनट के लिए उबले ताकि आलू थोड़े से नरम हो जाए। आलू को बर्तन में निकालकर मैदा और कॉर्न फ्लोर डालकर उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और तेल में फ्राई कर लीजिए। अब हम चलते हैं ग्रेवी बनाने की तरफ। सबसे पहले तेल में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। अब कांदा और शिमला मिर्च डाल दीजिए। इसके अलावा आप और भी सब्जियां डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से भून लीजिए। सोया सॉस और टमाटर सॉस डाल दीजिए। मिर्ची पाउडर और नमक, इन सब को अच्छे से भून लीजिए। ग्रेवी में थिकनेस लाने के लिए कॉर्न फ्लोर को पानी में मिलाकर इसका सिरप ग्रेवी में डाल दे। ग्रेवी को थोड़ी देर गर्म करने के बाद अब हम डालेंगे तले हुए आलू। लो, तैयार है चिली पोटैटो। गार्निशिंग के लिए आप उपयोग कर सकते हैं रोस्टेड तिल, या आप चाहें तो इस पर हरा धनिया